नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। देवघर में बाबा भोलेनाथ पर गुलाल चढ़ाने के साथ होली शुरू। देवघर बाबा भोलेनाथ पर गुलाल अर्पित करने के साथ ही देवनगरी में रविवार को होली प्रारंभ हो गई। परंपरा के अनुसार शाम 4 बजे तक बाबा मंदिर को खाली कर साफ करने के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया। उसके बाद 4:30 बजे मंदिर का पट फिर से खोला गया। पट खुलने के बाद पुजारी अजय झा गर्भगृह में प्रवेश किए। उन्होंने बाबा पर अर्पित फूल बेलपत्र को हटाकर मलमल के कपड़े से साफ किया। उसके बाद मलमल के कपड़े में गुलाल भरकर उसी कपड़े से पहले मां गौरा के विग्रह पर तथा उसके बाद बाबा के शिवलिंग पर गुलाल अर्पित कर बाबा नगरी की होली प्रारंभ की। उसके बाद मंदिर में नगरवासियों की भी भीड़ उमड़ गई। लोग एक एक कर गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा पर गुलाल अर्पित कर होली शुरू करते दिखे। परंपरा के अनुसार पुजारी अजय झा बाबा पर गुलाल अर्पित करने के बाद भीतरखंड कार्यालय स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। इस मंदिर में पुजारी ने सबसे पहले हरि यानी भगवान विष्णु तथा उसके बाद राधा रानी के अष्ट धातु से बनी प्रतिमा पर गुलाल अर्पित किए। होली के दौरान झारखंड में 8,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। सभी जिलों के SP को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिलों को पुलिस की नज़र में विशेष रूप से संवेदनशील है, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। इन 5 जिलों में एक एक कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जबकि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग में एक एक कंपनी रैप की तैनाती की गई। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग में आंसू गैस दस्ता को भी किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम से 2 नक्सली समर्थक भाई गिरफ्तार। होली के एक दिन पहले सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन के लिए वसूली की गई 10 लाख रुपए से अधिक की लेवी की राशि के साथ 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोटो थाना अंतर्गत सरजाम बोरू के पास से की गई। गिरफ्तार नक्सली समर्थकों में सरजोरम बोरू के राजेश देवगम एवं जयपाल देवगम शामिल हैं। दोनों सगे भाई भी हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने रविवार को बताया है कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू चमन कांडे, अजय महतो, सांगेन अंगरिया, आश्विनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है। इसके आलोक में चाईबासा पुलिस, कोबरा के 3 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं CRPF की 9 बटालियन की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। भाजपा की सूची में दुमका से सीता सोरेन तो धनबाद से ढुल्लू महतो उम्मीदवार। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार देर शाम 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें झारखंड के 3 सीटों दुमका, धनबाद और चतरा के मौजूदा सांसदों का टिकट काट कर नए चेहरे को जगह दी गई। भाजपा ने झामुमो सुप्रीमो शिव सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को ST आरक्षित सीट दुमका से उम्मीदवार बनाया है। सीता 19 मार्च को झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी। उसी समय से उनके दुमका से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन का टिकट कट गया है। वहीं धनबाद के वर्तमान सांसद PN सिंह का टिकट काट कर इस सीट से पार्टी ने बाघ मारा विधायक ढुल्लू महतो को महासमर में उतारा है। चतरा से भी मौजूदा सांसद सुनील सिंह का टिकट काट कर नया चेहरा भाजपा प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। NCERT के कोर्स में नए सत्र से होगा बदलाव। स्कूलों में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए कक्षा 3 से 6 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है। जल्द ही NCERT की ओर से बदले पाठ्यक्रम पर आधारित नए टेक्स्ट बुक जारी किए जाएंगे। हालांकि सीनियर कक्षा 7वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में NCERT ने स्कूलों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। NCERT ने स्कूलों के साथ अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी है कि पूर्व प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की जगह पर 3री से 6ठी कक्षा के लिए नए सिलेबस और टेक्स्ट बुक को अपनाएं।
कल्पना सोरेन के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट केस दर्ज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट संचालित किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद कल्पना सोरेन ने गोंदा थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनके नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया में संचालित किया जा रहा है। यह अकाउंट जनवरी 2024 से संचालित हो रहा है। आवेदन के माध्यम से इस फर्जी अकाउंट को अविलंब बंद कराने का आग्रह किया गया, साथ ही संचालित करने वालों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। झामो के कार्यालय से भी इसे संचालित नहीं किया जा रहा है। रांची में होलिका दहन की धूम। झारखंड की राजधानी में रविवार को होलिका दहन धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। कई जगहों पर लकड़ी के ढेर रखे गए थे। दिन में होलिका दहन वाले स्थान की साफ सफाई कर वहां लकड़ी के ढेर को सजाया गया और रात में पूजा अर्चना कर इसे प्रज्वलित किया गया। इसके बाद लोगों ने भगवान से नया साल अच्छे से बीते इसके लिए कामना कर होलिका में पुआ पकवान और चना का झंगरी गेहूं की बाली सहित अन्य कुछ अर्पित कर यह फसल अच्छे के लिए घर आए इसकी कामना की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बता दें होलिका दहन को लेकर सुबह से ही बाजारों से लोगों ने इसमें डालने वाली सामग्री खरीदारी की। कई लोगों ने गोईठे की माला फल फूल सहित अन्य कुछ की खरीदारी भी की है। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर प्रहार, राजेश ठाकुर। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर व चुनाव लड़ने में बाधा डालकर कराए गए चुनाव को कभी भी निष्पक्ष नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा खेला गया यह खेल खतरनाक है और उसके दुर्गामी असर होंगे। वे रविवार को रांची के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से मजबूर करना लोकतंत्र पर हमला है, ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। इस दौरान उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से पंगु बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर किया गया प्रहार है। उनकी कोशिश है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पंगु हो जाए ताकि कोई कार्य ही नहीं कर सके। जमशेदपुर में दिसोम बाहा पर्व में उमड़ा संताल आदिवासियों का जनसैलाब। दिसोम जाहेर थाना करंडी में रविवार को दिसोम बाहा की धूम रही। संताल आदिवासियों का जनसैलाब जमशेदपुर में पूजा अर्चना को लेकर उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने समाज की उन्नति की कामना की है। बता दे करीब 65 से 70 गांव व कोल्हान के कोने कोने से संताल आदिवासियों का जनसैलाब इस दिसोम बाहा में इष्ट देव की पूजा अर्चना करने पहुंचा। दिसोम बाहा पर्व में करंडी जाहेर थाना में इतनी भीड़ जुटी कि टाटा हाता मुख्य सड़क को 5 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। वहीं टाटा नगर स्टेशन से हाता की ओर जाने वाले वाहनों को खास महल मोड़ से परसुडीह सुंदर नगर रूट पर डाइवर्ट करना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम में 12 बच्चों समेत 23 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के निमडीह टोले में 23 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को उन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया जहाँ इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया है कि शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड प्वाइजनिंग का मुख्य कारण होगा। झारखंड मौसम में बदलाव। मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड का अधिकतम तापमान सोमवार को 33 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बता दे मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रदेश के पूर्वी मध्य तथा दक्षिण भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। रांची में सोमवार को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। पलामू गढ़वा लातेहार चतरा हजारीबाग और कोडरमा में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा का अधिकतम तापमान 34 से 36 और न्यूनतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड के 14 ऐसे जिला हैं जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार हजारीबाग पहुंचे JP पटेल। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद JP पटेल पहली बार दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
उन्होंने कहा है कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबु सोरेन और टेकलाल महतो का बीजेपी और एनडीए में कोई महत्व नहीं देखा। टेकलाल महतो महागठबंधन के हमेशा प्रबल समर्थक रहे थे। हम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर झारखंड को सजाने संवारने का उनका सपना पूरा करने आए हैं। सोनिया गांधी ने झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा करेंगे। पलामू में दो लोगों की हत्या। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमराटांड गांव के राजेश साव और सुजीत भुइयां उर्फ बौधा की रविवार को गला रेतकर हत्या कर दी गई। राजेश साव की हत्या सुबह करीब 7:20 जबकि सुजीत भुइयां की हत्या 8 के करीब की गई। घटना का कारण बालू उठाव को लेकर विवाद बताया जाता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव के साथ करीब 1 कोयल पुल जाम रखा। SDPO के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के सभी अनुसांगिक इकाई का बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में रविवार को जामतरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर जामतरा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, केंद्र की भाजपा सरकार एक्शन में आ गई और जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की नीयत से उनके खाते को फ्रीज कर दिया। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव न लड़ सके, यही बीजेपी की चाल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि देश में चुनाव की क्या आवश्यकता है, आप खुद ही चुनकर प्रधानमंत्री बन जाएं। बीजेपी के टारगेट 14 को लेकर सीएम योगी और अमित शाह पहुंचेंगे झारखंड। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टी खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। राज्य की 14 में से 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। इससे प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को रणनीति तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौर से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होना है, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भी झारखंड में प्रचार करने की योजना है। धन्यवाद।